ओके गाइस, तो फाइनली ट्रेन एकदम दुल्हन की तरह सज के तैयार है। हे यू, व्हाट इज अप गाइस, दिस इज सोनू जसवाल एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो भाई अभी मैं हूँ सुपौल रेलवे स्टेशन के ठीक सामने और आज सुपौल जिला के सभी लोगों के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज सुपौल और सहरसा का रेलखंड जो कि करीबन 4 सालों से बंद पड़ा हुआ था, एक बार फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को लेकर चलूंगा स्टेशन के अंदर और दिखाऊंगा वहां का माहौल, वहां कितने सारे लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो भाई ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है और यहां पे काफ़ी सारा भीड़ है और काफ़ी सारे लोग आए हैं, काफ़ी सारे लोग ट्रेन देखने के लिए भी आए हैं और काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करने के लिए भी आए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ओके गाइस, तो फाइनली ट्रेन दुल्हन की तरह सज धज के एकदम तैयार है सहरसा जाने के लिए। आप लोग देख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ लग चुका है। तो आज से करीबन 4 साल पहले ये सुपौल और सहरसा के रेलखंड पे छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी, लेकिन अब 4 सालों के इंतज़ार के बाद फाइनली हमारे इस सुपौल और सहरसा के लाइन पे बड़ी लाइन की ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं भीड़ के तरफ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को स्टेशन का नज़ारा। स्टेशन की भीड़ एकदम देखने लायक है गाइज, इतने सारे लोग अनएक्सपेक्टेबल, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे। ओके गाइज, तो फाइनली ट्रेन के डब्बे में आ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी पैसेंजर्स आप लोग देख सकते हो बैठे हुए हैं। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। तो अंकल जी कहाँ तक जा रहे हैं आप? हम सुपौल से सहरसा तक जा रहे हैं। सुपौल से सहरसा तक का सफ़र कर रहे हैं। तो ये फाइनली इससे पहले, इस पर 4 साल पहले छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी और अभी 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद बड़ी लाइन की ट्रेन आ चुकी है। तो पहली बार सफ़र करके कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप बताइए भैया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इससे पहले मतलब 4 साल तक लगातार मतलब बस से सफ़र करते रहे, उससे ज़्यादा भाड़ा लग रहा था। अब थोड़ा मतलब कम होगा तो हम लोग को और ज़्यादा मतलब आसान होगा, रुपया कम लगेगा। ओके, तो आइए इस साइड एक स्टूडेंट है, इनसे जानते हैं। तो भैया कैसा लग रहा है आपको पहली बार सफ़र करके? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद ट्रेन में सफ़र करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी जो करते थे इससे पहले बस की सफ़र करते थे जिसमें अच्छे से हो नहीं पाता था। अब हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सुविधा महसूस हो रहा है। तो फाइनली बड़ी लाइन के आ जाने के बाद सुपौल के सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी सौगात है। तो चलिए चलते हैं और आगे और देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है। लोको पायलट थोड़ा सा इधर। हॉर्न कब? मुल्ला जी जाते रहिए आराम से। ए हो, हॉर्न मारिए, बहुत दिन से नहीं जगा है। अरे सुपौल जिला शुरू हो गई ट्रेन, बोल नहीं यार, बोल नहीं ना यार। बोल
सर मीडिया से आग्रह है कि हम यहाँ पे किसी कमरा है जहाँ पे हमारे जो अतिथि हैं वो आपको संबोधित करेंगे, तो आप तो मांग पत्र तो आप खुद ही दे सकते हैं। हमने हमारे देख रेख में ये काम संपन्न हुआ था उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें हमारे अतिथियों का। ओके एवरीवन, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।